Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. You know, last time we completed two numerical problems that are available in our book. They are solved also. Please try to understand them and practice them. May be possible that in any examination these numeric problems can become in front of you and you must be to practice solve them. Now our next topic, that is about the one scientist, that is the Pascal. You know, Pascal is the name of a scientist. जो आपकी प्रेशर की जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं, देखो P is equal to F upon A होता है ना, और F की यूनिट होती है न्यूटन और इसकी SI यूनिट होती है मीटर स्क्वायर. तो शॉर्ट वे में हम क्या लिखेंगे इसको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या तो यू मान लीजिए या फिर ये होगा न्यूटन. अगर स्लैश हटा देते हैं तो यहाँ पर m हटा करके पावर माइनस टू हो जाएगा. ये जो वैल्यू होती है ये 1 पास्कल के इक्वल होती है. जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन, न्यूटन साइंटिस्ट के नाम पर है, उसी तरह यहाँ पर प्रेशर की जो यूनिट है पास्कल, ये भी एक साइंटिस्ट के नाम पर है और उन्हीं के बारे में हम कुछ बता रहे हैं. पास्कल वाज ए फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट, और वी नो इन द ओनर ऑफ द साइंटिस्ट द प्रेशर यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, दैट इज द पीए पास्कल आफ्टर द नेम ऑफ हिम. ही फॉर्मुलेटेड पास्कल्स लॉ. ध्यान से सुनना, उन्होंने कुछ और भी काम किए, पास्कल्स लॉ बनाया जो आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे. और ये होता है बेटा कंसर्निंग फ्लूड प्रेशर, अबाउट द फ्लूड मींस यू नो दैट इज द लिक्विड एंड गैसेस, फ्लूड प्रेशर. फ्लूड प्रेशर्स के रिगार्डिंग उन्होंने कुछ रूल्स वगैरह प्रपोज किए. एंड प्रिंसिपल बिहाइंड द हाइड्रोलिक प्रेस, एक और काम किया उन्होंने, दैट इज द रूल्स फॉर फ्लूड प्रेशर और प्रिंसिपल, सॉरी जस्ट अ मिनट, लॉ फॉर फ्लूड प्रेशर. और नेक्स्ट नंबर था दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस. ओके, सो प्लीज रिमेंबर हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर और इस दोनों में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा. और अब हम दूसरा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर इन आवर एवरीडे लाइफ, examples of pressure in everyday life. मतलब everyday life में pressure कहां कैसे काम करते हैं इस बारे में हम बात कर रहे हैं. First point about the school bags. इस बारे में आप सबको अनुभव होगा. और क्या है देखिए, आप स्कूल बैग एंड शॉपिंग बैग हैव द ब्रॉड स्ट्रिप और बेल्ट सो दैट एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इंक्रीज एंड प्रेशर ऑन द हैंड और शोल्डर इज रिड्यूस. तो यहां पर स्कूल बैग और शॉपिंग बैग की बात कर रहे हैं. अगर उसमें जो भी आपको पकड़ने के लिए जो बेल्ट वगैरह दी गई है अगर वो थिक होती है, तो ध्यान से सुनना, F अपॉन A होता है ना, तो ब्रॉड होने का मतलब है कि एरिया ज्यादा होगा. मतलब अगर एरिया मोर है तो जो प्रेशर होगा वो लेस हो जाएगा. क्यों होगा? बिकॉज एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. और अपने को उसको शोल्डर पर लगाने में या हाथ से पकड़ने में कम प्रेशर फील होगा.
इसी तरह से दूसरी बात कर रहे हैं बेटा इन द कैमल और अदर डेजर्ट एनिमल्स, दैट इज द इन डेजर्ट एनिमल्स. डेजर्ट एनिमल्स के अंदर क्या होता है? लाइक कैमल. यू नो इन केस ऑफ द कैमल, कैमल कैन वॉक इजीली ऑन सैंड सैंडी लैंड एज कंपेयर टू द अदर एनिमल्स बिकॉज दे हैव ब्रॉडर फीट विच एक्सर्ट लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड. देखिए आप और हम या दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनके जो लेग्स का जो फीट होता है उसका जो एरिया होता है ना वो कम होता है, लेकिन कैमल के अंदर क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ज्यादा ब्रॉड होता है इन कंपैरिजन टू देयर बॉडी वेट. उनका जो बॉडी वेट है उसके हिसाब से क्या होगा, एरिया ज्यादा होता है और एरिया ज्यादा होने से जो भी उनका प्रेशर है जो सैंड पर गिरने वाला होता है, मतलब सैंड पर लगता है, वो जो प्रेशर होगा ना वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है. और कैमल कैन इजीली वॉक ऑन सैंड, सो वी कॉल देम व्हाट, शिप ऑफ डेजर्ट. ओके, थर्ड नंबर पॉइंट देखना, यहां पर है आपको कटिंग एज ऑफ नाइफ ब्लेड एंड एक्सेस. देखना इन नाइफ ब्लेड्स एंड एक्सेस, चाकू देखिए आप, ब्लेड्स देखिए, कुल्हाड़ी वगैरह जो होती है उसमें एक जो एज होता है, एक साइड होती है काफी शार्प होती है, जबकि दूसरी वाली थोड़ा सा ब्रॉड होती, थिक होती है. ड्यू टू दिस द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट डिक्रीज एंड हेंस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द दीज इंस्ट्रूमेंट कैन इजीली पेनिट्रेट एंड कटिंग बिकम इजियर. तो ध्यान से देखना, सब आपने सबने एक्सपीरियंस कर रखा है, नाइफ चाकू ब्लेड एक्स, इन सब में एक पोर्शन ब्रॉड होता है और एक पोर्शन बिल्कुल शार्प होता है. तो जिस पोर्शन से आप पकड़ते हैं ना उसका एरिया ब्रॉड होगा. ब्रॉड होने का मतलब आप एफ आप ज्यादा लगाएंगे, एरिया सॉरी एरिया ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होने से कम प्रेशर अप्लाइड होगा, मतलब हल्का सा प्रेशर लगाने पर कोई भी चीज इजीली कट जाएगी. ओके, नाउ नेक्स्ट वन दैट इज अबाउट द रेल्स ऑन द रेलवे ट्रैक. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान से देखना, that is the fourth point, rails on railway track. कभी ध्यान से समझना जो हम बात बता रहे हैं, have you seen the railway track many times, लेकिन अब जो हम बता रहे हैं वो बात ध्यान से सुनना. Rails on a railway track are fixed on large wooden or steel sleepers. अब रेलवे ट्रैक का डायग्राम आपके यहां पर बना हुआ है, ये एक रेलवे ट्रैक है पूरी. इस रेलवे ट्रैक के बीच में यहां पर या तो वुडन ब्लॉक्स लगे होते हैं या स्लीपर्स लगे होते हैं. अब कहने का मतलब क्या हुआ कि बीच बीच में जो भी हम ये इस तरह का सपोर्ट दे देते हैं, इसकी वजह से जैसे सपोज करो क्योंकि ट्रेन का वेट अपन इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा होता है, और अगर वो सारा ये बीच में अगर अपन सपोर्ट नहीं देंगे तो ट्रेन के वजन की वजह से पूरा ट्रैक जमीन में धस सकता है. तो प्रेशर को कम करने के लिए बीच बीच में ये स्टील स्लीपर्स या वुडन स्लीपर्स लगा दिए रहते हैं. इट रिड्यूस द प्रेशर, इसकी वजह से ट्रेन का प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, सॉरी ट्रैक पर जो आपके पास जो रेल्स है उन पर प्रेशर ज्यादा हो जाता, सॉरी प्रेशर एरिया बढ़ जाता है और प्रेशर कम हो जाता है. और हमने आपको बताया दैट इज द पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जब आप एरिया बढ़ा दोगे तो प्रेशर कम होगा. दिस इज क्लियर और नॉट? वन मोर थिंग, You have seen that porter place a round piece of cloth on their head when they have to carry heavy load. By doing this, they increase the area of contact of load with their head.
So the pressure on their head is reduced and they find it easier to carry the load. आपने देखा होगा वो सारे जो कुली लोग होते हैं, पोर्टर्स होते हैं, वो जब भी बहुत भारी लगेज को अपने सिर पर रख करके ले जाते हैं तो पहले एक जो क्लोथ होता है उसको राउंड शेप में करके अपने सर के ऊपर रख लेते हैं, तो जो भी आपका लगेज है उसमें और हेड के बीच में एक गैप बन जाता है, प्रेशर कम करने के लिए एरिया बढ़ जाता है, एरिया ऑफ जो कॉन्टेक्ट होता है ना वो ज्यादा हो जाता है, इसलिए कम प्रेशर डेवलप होगा और कम प्रेशर डेवलप होने से वो इजिली अपने लगेज को ले जाते हैं. ओके, ये बात रही आपके पास एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर इन एवरीडे लाइफ. और नेक्स्ट टाइमिंग वी स्टडी अबाउट द एयर प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड एंड गैसेस. ओके, थैंक यू.